हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का नौशाद आलम क्लासेस में। मैं नौशाद आलम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स की क्लासेस डेली आपको प्रोवाइड कराई जा रही है यूट्यूब के माध्यम से, जहां पे मैं डेली सुबह आपको 8 बजे प्रीमायर क्लासेस के अंतर्गत आपको लाइव आपको मिलता हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन है जो बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर आप वीडियो पे पहली बार चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको मेरी वीडियो की सारी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है आज का सेशन है, जिसमें हम लोग संधारित्र पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत, और वो हमारा टॉपिक है आज का संधारित्र का संयोजन। अगर आपने मेरे करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर देखा हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं, उसमें दो तरह का संयोजन था। एक तो था आपका श्रेणी क्रम संयोजन और एक दूसरा था आपको समांतर क्रम संयोजन, वो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उसका पूरा का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप वहां से जाके मेरे करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा टॉपिक आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक है संधारित्र का संयोजन। ठीक है, तो ये जो संयोजन है वो कितने प्रकार का होता है और संधारित्र को संयोजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो पहले समझ ले संयोजन क्या है। सबसे पहले आप यही लिखेंगे, ठीक है, संधारित्र का संयोजन जो है आपको कितने प्रकार का होता है, वो आपका दो टाइप्स का होता है। ठीक है, एक तो होता है श्रेणी क्रम, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है आपका समांतर क्रम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आपके पास संधारित्र का जो संयोजन होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक दूसरा समांतर क्रम संयोजन आपका होता है। ठीक है, संधारित्र को क्यों पड़ा जरूरत संयोजन करने का। ठीक है, संयोजन बेसिकली इसलिए किया जाता है ना कि हम लोग क्या करते हैं उसका एक अपनी इच्छा के अनुसार, है ना, अपनी इच्छा के अनुसार तुल्य क्या निकाल सकते हैं, धारिता निकाल सके इच्छा के अनुसार। अगर एक से अधिक धारिता दी गई हो, ठीक है, और आपको ज्यादा धारिता निकालनी हो या फिर आपको कम धारिता निकालनी हो, तो एक अपनी इच्छा के अनुसार हम लोग उसको सेटअप बना सकते हैं ताकि हमको कम धारिता और ज्यादा धारिता प्राप्त हो सके। ठीक है, और कम धारिता और ज्यादा धारिता प्राप्त करने के पीछे भी कारण है। कम धारिता क्यों चाहिए, अगर हमको कम धारिता चाहिए तो आवेश कम चाहिए हमको, है ना, और अगर ज्यादा धारिता चाहिए तो उसको आवेश ज्यादा चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं डिफिनिशन में आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, धारिता जो होती है आवेश को ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिसकी जितनी धारिता अधिक वो उतना ही ज्यादा आवेश को ग्रहण करेगा, जिसकी जितनी धारिता कम उसका वो उतना ही कम आवेश क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने धारिता के बारे में पढ़ा होगा, बेसिकली संधारित्र के बारे में। संधारित्र कैसा होता है, संधारित्र आपको ऐसा होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें, है ना, बहुतों को तो ये भी नहीं पता होगा कि संधारित्र कैसा होता होगा। अगर आपको वाकई में नहीं पता है तो आप प्लीज मेरे स्टार्टिंग के जितने भी लेक्चर है 1, 2, 3, 4, 5 करके आप सारे वीडियो देख जाइए, आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्ट क्या हो जाएगा, छप जाएगा दिमाग में, फिर आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका होता है संधारित्र। ठीक है, इसका पहला प्लेट जो होता है वो प्लस का क्यू होता है और दूसरा प्लेट होता है माइनस का क्यू। यहाँ पे आपको ये आपका सेटअप होता है, ये प्लस होता है, ठीक है, ये वाला आपका माइनस होता है। ठीक है, ये मान लेते हैं बिंदु ए और ये मान लेते हैं बिंदु बी। ठीक है, ऐसा होता है आपका संधारित्र। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारे संधारित्र होंगे। ठीक है, उनको हमको क्या करना है, कंबाइन करना है, यानी जोड़ना है, और कैसे जोड़ना है, श्रेणी क्रम में, और साथ में क्या करना है, समांतर क्रम में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, श्रेणी क्रम के बारे में आज हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, संधारित्र जो है, संधारित्र कितने प्रकार का होता है, है ना, संधारित्र का संयोजन दो तरह से किया जाता है, पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, उसके बाद आप टॉपिक देंगे श्रेणी क्रम संयोजन, और श्रेणी क्रम संयोजन में आप क्या लिखेंगे, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। ठीक है, तो आप अगर पहले ये लिख लिए हो तो आप इसके बाद यहाँ पे इसको लिखेंगे। ठीक है,
संधारित्र का संयोजन दो तरह से किया जाता है, पहला श्रेणी क्रम संयोजन जो आप ऐसे लिख लेंगे, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। उसके बाद टॉपिक देकर आप लिखेंगे, ये फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड है। टॉपिक फर्स्ट देकर लिखेंगे आप श्रेणी क्रम संयोजन, और श्रेणी क्रम संयोजन के बाद आप इसको नोट्स में इसको उतार लेंगे, और फिर हम डिस्कशन करते हैं कि कैसे आपका श्रेणी क्रम का संयोजन किया जाता है पूरा फुल टू, और कैसे उसका व्यंजक निकल के आता है। तो आप पहले इस डिफिनेशन को नोट करें, फिर हम बात करते हैं आगे की, चलेगा? चलेंगे बात करते हैं हम संधारित्र के संयोजन के बारे में, ठीक है? देखिए समझते हैं इसको आराम से। हमारे पास एक प्लेट दिया हुआ है संधारित्र का, ये हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है? ये हमारे पास एक प्लेट है जिसकी धारिता है C1, ठीक है? ये आपका हो जाए बिंदु A और B, ठीक है? दूसरा प्लेट दिया हुआ है आपके सामने, ये दूसरा प्लेट है यहाँ आपके पास, ठीक है? इसकी धारिता मान लेते हैं दी गई है C2, ठीक है? ये हमारा प्लेट का नाम नहीं देते हैं, बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अच्छा, और एक तीसरा प्लेट दिया हुआ है आपका जिसकी धारिता क्या दी गई है, C3 दी गई है, ठीक है? और इसको करना हमको ज्वाइन, और किस में ज्वाइन करना है, श्रेणी क्रम के अंदर, ठीक है? तो इसको कैसे ज्वाइन करेंगे इसको भी हम देखेंगे, और सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो इसमें समझने वाली चीज है। रास्ता आपको याद होगा, है ना? रास्ता अगर एक हो, अगर रास्ता सीधे जा रहा हो, ठीक है, तो रास्ता अगर सेम होगा, रास्ता अगर नहीं बदलेगा, ठीक है ना? अगर रास्ता क्या होगा, रास्ता नहीं बदले तो आवेश जो होगा वो नहीं बदलेगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, आवेश जो है वो कांस्टेंट माना जाएगा, आवेश नहीं बदलेगा, ठीक है? अगर रास्ता नहीं बदले, अगर हमारा संयोजन कर रहे हैं, और संयोजन में अगर रास्ता हमारा एक ही है, एक ही सीधे रास्ते पर संयोजन किए जा रहे हैं, ठीक है, यानी वो श्रेणी क्रम संयोजन होगा, तो उस केस में आपको आवेश नहीं बदलेगा, यानी क्यू जो होगा वो कांस्टेंट माना जाएगा। कांस्टेंट का मतलब वो सब में सेम होगा, सबसे पहली बात ये आपको नोट करने वाली चीज है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको पूरा संधारित्र का ये संयोजन बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, ठीक है? अच्छा, यानी रास्ता नहीं बदले तो आवेश को, आवेश जो है नहीं बदलेगा, यानी क्यू कांस्टेंट माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है ना, अलग अलग बिंदु के लिए, अलग अलग बिंदुओं के बीच विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। ये तो आप पहले से भी जानते हैं, है ना? अलग अलग बिंदुओं के बीच क्या होता है, विभव जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है? बेसिकली विभव क्या होता है, विभव या विभवांतर आप दो बिंदुओं के बीच का क्या होता है, अंतर होता है। विभवांतर जो बोलते हैं दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, तो अलग अलग बिंदु होंगे तो उनका विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। ये भी पॉइंट नोट करने वाली है, ठीक है? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, ठीक है? देखा जाए, हमने बताया आपको कि अगर आपका रास्ता नहीं बदले तो क्या नहीं बदलेगा, आवेश नहीं बदलेगा, इसी पे कांसेप्ट पे काम करेंगे हम लोग, और बिंदु अलग अलग हो तो विभव का मान भी अलग अलग हो जाएगा, ये नोट करने वाली चीज है। चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? अब इसका संयोजन करते हैं, समझिएगा जरा सा, संयोजन कैसे करेंगे। ये हमने बनाया आपको पहला संधारित्र, ठीक है? ये हमारा दूसरा संधारित्र, ठीक? ये हमारे पास है तीसरा संधारित्र, ठीक? पूरा स्पष्ट रूप से आप क्लियर हो जाएगा, देखते चलेंगे आराम से, है ना? ये पहला संधारित्र, ये दूसरा, और ये हमारा तीसरा संधारित्र हो जाएगा, ठीक है? इसको हमने जोड़ा हुआ है एक बैटरी से, आराम से देखते चलेंगे, पूरी चीजें स्पष्ट होने वाली है। इसको हमने जोड़ दिया एक बैटरी से, पूरा इसका कनेक्शन कर दिया, ठीक है? इसकी धारिता कितनी है, C1, इसकी C2 और इसकी C3, चलेगा? C1, C2 और C3। पहला जो था इसके दो अलग अलग बिंदु थे, दो छोर थे अलग, है कि नहीं? अच्छा, तो ये पहला पॉइंट हमारे पास A है, यहाँ पे पॉइंट हमारे पास B है,
ये वाला पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास डी है, ठीक है। अब हमने बताया था डिफिनेशन में कि संधारित्र का श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है उसका पहला प्लेट, पहला संधारित्र का दूसरा प्लेट, पहला संधारित्र का ये पहला प्लेट है यानी ये प्लस का क्यू होता है ना, और ये क्या होता है माइनस का क्यू होता है। तो दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है, देखो जुड़ा हुआ है ना, तो ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस का क्यू, ठीक, और ये माइनस का क्यू चलेगा। अच्छा, ये प्लस का क्यू और माइनस का क्यू, ठीक। अच्छा, उसी तरह से दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है, तो इसको हमने लिख दिया प्लस का क्यू और यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस का क्यू, क्योंकि आप जानते हैं संधारित्र ऐसा ही बना होता है, ये आप पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, फिगर थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, फिगर को सीधा कर दिया जाए, है ना, देखिएगा जरा, ये हमारा फिगर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, समझने वाली चीज, इसको अंदर कर देते हैं, सी थ्री है ना, सी टू, यहाँ थोड़ी और भी चीजें हमको यहाँ पे नोटेड करना होगा, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि सब में आवेश क्या है, सेम है, क्योंकि रास्ता नहीं बदला, रास्ता हमारे पास एक ही है, ठीक है। अच्छा, तो ये जब रास्ता एक ही है तो विभव बेसिकली क्या करेगा, चेंज करेगा, तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच कुछ विभव होगा, मान लेते हैं विभव क्या है, वी वन है कि नहीं, अलग अलग विभव होगा। बिंदु बी और सी के बीच विभव कितना होगा, वी टू है कि नहीं। अच्छा, और बिंदु सी और डी के बीच विभव कितना होगा, वी थ्री है, क्लियर है। बिंदु ए और बी के बीच विभव वी वन, बिंदु बी और सी के बीच विभव वी टू, और सी और डी के बीच विभव वी थ्री, ये हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको तो एक काम करना होगा, यहाँ पे ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसी को हम ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है, स्पेस है, ऊपर बना देते हैं, ठीक। अब इसके लिए हमको एक तुल्य बनाना होगा, तुल्य हमारा, तुल्य बेसिकली तुल्य क्या बनाना होगा, धारिता के लिए हमको एक फिगर बनाना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पे हम एक तुल्य बना लेते हैं, ये हमने बना लिया एक यहाँ पे तुल्य, ठीक है, इसका जो धारिता होगा वो सी तुल्य होगा, चलेगा, इसका धारिता कितना होगा हमारा, सी तुल्य होगा, चलेगा। अच्छा, इसको पॉइंट दे देते हैं हम कहाँ, ए, और ये लास्ट वाला पॉइंट कौन सा होगा आपका, डी हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट ए और लास्ट वाला डी, क्योंकि ये ए है और लास्ट वाला हमारा डी है, ठीक। अच्छा, अब इसका आवेश भी क्या होगा, इसका भी आवेश क्यू ही सेम ही होगा, यानी इसका भी प्लस का क्यू और इसका कितना माइनस का क्यू, इसमें भी कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाली। अब आप देख क्या रहे हैं कि आवेश जो है वो क्या है हमारा, सेम है, बट कौन रहा है, बट रहा है हमारा विभव, तो विभव टोटल विभव कितना है आपके पास, टोटल विभव जो है, भी टोटल जिसको बोल सकते हैं, तो टोटल विभव है आपका कितना, भी है कि नहीं, तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा कि इसका टोटल विभव कितना होगा, इसका विभव टोटल बेसिकली आपको, इसका भी टोटल विभव कितना होगा, इसका टोटल विभव भी होगा मान लेते हैं, ठीक है, तो टोटल विभव भी है, ठीक। और ये कैसे बटा हुआ है, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री में, तो इसको लिख दिया जाए वी वन प्लस वी टू प्लस क्या, वी थ्री, क्लियर है, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। अब आप थोड़ा सा और पीछे आइए, क्यू बराबर सी भी होता है, तो वी बराबर कितना होता है, क्यू बाई सी, ये अभी आप जानते हैं, अगर हम विभव की बात करें तो वी इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, अब वी जो है ये भी, भी बेसिकली क्या है, भी तुल्य इसको बोल सकते हैं, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, भी तुल्य, तो हम यहां लिख देते हैं भी अपॉन सी, और सी कौन सा, तुल्य, चलेगा क्या, इसका बेसिकली धारिता सी तुल्य, क्योंकि ये टोटल विभव था, तो ये टोटल विभव ही है, हमने इसके लिए तुल्य बनाया हुआ था, ये नीचे लिख दिया सी तुल्य। अच्छा, इक्वल टू भी वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, आवेश क्यू है और नीचे में क्या आएगा, यहाँ सी टू लिखा गया है क्या, यहाँ पे C1 होगा, तो Q1 और आवेश Q, और पहले के लिए V1 के लिए लिखेंगे Q by C1, तो यहाँ हमने लिखा, थोड़ा सा एक चीज गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, बेसिकली V जो होता है वो Q by C होता है ना, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे तो Q ही आएगा ना, तभी तो कटेगा, यहाँ पे हमारा Q आएगा, V1 के लिए क्या लिखेंगे Q by C1, V2 के लिए क्या लिखेंगे Q by C2, और V3 के लिए क्या लिखेंगे Q by C3, हम लोग लिख देंगे, ठीक है। हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ हमको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, तो क्यू को तो क्यू रहने देते हैं, ठीक है, सी को सी और तुल्य को तुल्य रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, बराबर यहाँ से क्यू को कॉमन कर लिया जाए, तो क्यू को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, वन बाई सी वन प्लस
वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री, बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है, ये आपको बच जाएगा। तो क्या दिखने को मिल रहा है, यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा, यानी जो C तू ले आएगा 1 बाई सी, जिसको नेट बोल सकते हैं, C नेट, ठीक है, इक्वल टू होगा आपका कितना हो जाएगा 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू प्लस कितना 1 अपॉन सी थ्री। तो ये जो होता है आपका, जब भी आपको अलग अलग संधारित्र दिए गए हो, अलग अलग संधारित्र दिए गए हो और अलग अलग संधारित्रों को क्या करना हो, श्रेणी क्रम में संयोजित करना हो, तो देखो सीधे उल्टा है, जिसमें हम लोग रेसिस्टेंस पढ़े थे ना श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री, और ये है पूरा का पूरा आपका व्यंजक जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में निकल के आता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप इसको टोटल आराम से समझते हुए इसे नोट कर लें, हमने ये पहला लिया था, ये दूसरा लिया था और ये तीसरा लिया था, पहला संधारित, दूसरा संधारित और ये तीसरा संधारित, ठीक है, आवेश सबका सेम ही था, दो तीनों को जोड़ दिया, पहला ए से बी के बीच में, दूसरा बी से सी के बीच में और तीसरा सी से डी के बीच में, हमने इसको जोड़ा हुआ है, ठीक। अच्छा, अब जोड़ने के बाद आप जानते हैं वहां लिखा हुआ है कि रास्ता नहीं बदले तो आवेश क्या होगा, नहीं बदलेगा, ठीक है, यानी आवेश कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और अलग अलग बिंदु के बीच क्या होगा, विभव जो होगा वो अलग अलग होगा, ये भी आपने लिख रखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए अलग अलग बिंदु ए और बी के बीच विभव कितना होगा, अलग होगा, तो हमने लिख दिया V1, बी और सी के बीच विभव लिख दिया V2, और सी और डी के बीच विभव क्या लिख दिया, हमने लिख दिया V3, ठीक है। अब टोटल विभव कितना है, V है, इसके लिए हमने एक तुल्य बनाया है, तुल्य बेसिकली संधारित्र बनाया है, तुल्य संधारित्र, तो विभव तो उसका सेम ही होगा, आवेश भी सेम ही होगा, ए और डी से कनेक्टेड है तो ए और डी से कनेक्ट कर दिया, और इसको हमने लिख दिया तुल्य। तो टोटल जो विभव था भी, वही तो बट रहा है ना, वही तीनों में बट रहा है, यानी तीनों संधारित्र वही तो बट रहा है इस टोटल विभव को, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 हमने इसको लिख दिया। तो भी जो होता है, होता है, हमने जानते हैं फॉर्मूला में क्यू बाय सी होता है, क्यू बाय सी, तो सी किस किस के लिए लिखेंगे, तुल्य के लिए, यहाँ क्यू बाय सी वन, क्यू बाय सी टू और क्यू बाय सी थ्री, ठीक है। यहाँ से आपका क्यू कॉमन हो जाएगा क्योंकि तीनों में क्यू शामिल है, तो जब क्यू कॉमन हो गया तो क्यू से क्यू कट गया, यानी बचा क्या, 1 बाई सी टू, जिसको सी नेट भी बोल सकते हैं, तो 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली क्या, आपका व्यंजक निकल के आ जाता है, किसका, आपको श्रेणी क्रम संयोजन का, ठीक है। तो इसे नोट कर ले और या फिर इसे स्क्रीनशॉट कर ले, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आई होप आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना, अगर आप लाइक करेंगे तभी तो हमको इनकरेजमेंट मिलेगी, ताकि आपको अलग अलग वीडियो आपको हर डेली आपको लेकर मैं आता रहूं। लाइक नहीं करेंगे, वीडियो को वॉच नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो मेरा भी बेसिकली मोरल डाउन होगा, है ना, और मन करेगा कि क्यों वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, है कि नहीं। तो आप प्लीज वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी मेरी क्लासेस को एंजॉय कर सके। तो इसे आप पहले नोट कर ले, फिर कुछ और पाते हैं जो हम इसमें करेंगे और इसके बाद इसको खत्म करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो इससे संबंधित है, हम जब पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, आप स्टार्ट पॉइंट में आराम से लिखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, अगर हमारे पास n कैपेसिटर दिए गए हों, ठीक है, अगर हमारे पास n संधारित्र दिए गए हों, n संधारित्र, ठीक है, जिनकी संख्या कितनी हो, n हो, ठीक है, और उसके लिए आपको निकालना हो क्या होगा धारिता का वैल्यू, तो क्या करेंगे हम, जरा समझिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे संधारित्र बना रहे हैं, डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा आपका, एन तक हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका ज्वाइंट किया हुआ है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ज्वाइंट किया गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, या इसकी धारिता कितनी, सी, इसकी भी सी, इसकी भी सी, इसकी भी सी, तो इसका क्या लिख सकते हैं हम, सी एन नहीं लिखेंगे, बेसिकली इसकी भी धारिता कितनी होगी, सी ही होगी, ठीक है। लेकिन ये है कितने, टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल इनकी संख्या कितनी है, एन है, यहां से यहां तक टोटल संख्या जो है आपके पास संधारित्र की संख्या टोटल n है। तो आपने पढ़ा अभी कि 1 बाई सी नेट, जिसको हम लोग सी एस भी बोल सकते हैं, सी एस का मतलब सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है, 1 बाई सी एस, तो क्या लिखा जाएगा, 1 बाई कितना, सी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी प्लस कितना 1 बाई सी, ऐसे ऐसे करके आप कहां तक जाएंगे, टोटल आप कहां तक जाएंगे, आप टोटल n तक जाएंगे, यानी क्या लिखेंगे,
कितना लिखेंगे, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, वन 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 करते हुए कितना हो जाएगी, एन हो जाएगी, यानी एन बाय सी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, टोटल संख्या हमारी एन हो जाएगी और एन बाय सी। तो अगर हम बोले कि फाइनल अगर आप टोटल का संयोजन करें, तो जैसे समझ लीजिए इसको, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास तीन ही संधारित्र है, कितनी है, तीन है, हमको पता है संख्या पता है, ठीक है, तीन संधारित्र है। तो जरा देख लें इसको, हम क्लियर ही कर देते हैं फिगर के थ्रू, ठीक है, ये हमारे पास है धारिता सी, सी और सी, ठीक है। तो अगर हम इसका तुल्य निकाले तो वन बाई सी एस कितना होगा, वन बाई सी प्लस वन बाई सी प्लस कितना, वन बाई सी। तो ये वन बाई सी एस का वन बाई सी एस ही रहेगा, एलसीएम कितना आएगा, सी आएगा, ये वन 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 जोड़ के कितना हो जाएगा, थ्री, यानी कितना हो जाएगा, थ्री बाई सी। यानी अगर इसको पलट दे तो सी एस का वैल्यू कितना आएगा आपको, सी बाई थ्री आपको निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सी बाई थ्री आ जाएगा। यानी हमारे पास तीन थे तो जो धारिता आ रही है वो कितनी आ रही है, सी बाई थ्री आ रही है। अगर हमारे पास एन कैपेसिटर है तो धारिता कितनी आएगी जी, इसको पलट देंगे सीधे, यानी जो सी एस का वैल्यू होगा वो कितना होगा, सी बाय एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट याद करने वाली चीज है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, कि अगर हमारे पास एन संधारित्र हो और सभी की धारिता कितनी हो, केवल सी हो, ठीक है, और उसको जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, तो बताइए तुल्य धारिता का मान कितना होगा। तो वहां पे निकालते निकालते थक जाएंगे, है ना, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप सी को रखेंगे ऊपर और नीचे में कितनी संख्या है आप उससे भाग लगा देंगे, यानी सी बाई एन हो जाएगा आपको, किसकी, जब एन कैपेसिटर यानी एन संधारित्र एक साथ जुड़े हों। तो आप नीचे पॉइंट्स बना के लिख लेंगे, क्या पॉइंट्स लिखेंगे, यदि एन संधारित्र श्रेणी क्रम में आपस में जुड़े हुए हों, यदि एन संधारित्र श्रेणी क्रम में आपस में जुड़े हुए हों तो उनकी तुल्य धारिता का मान, उनकी तुल्य धारिता का मान कितना होता है, सी बाय एन होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे अपने पॉइंट्स में, पॉइंट नंबर फर्स्ट करके, ठीक है, चलेगा। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर सेकेंड लिखेंगे, पॉइंट नंबर सेकेंड, ठीक है। तुल्य धारिता जो होती है, तुल्य धारिता का मान, तुल्य धारिता का मान, ठीक है, अपने प्रत्येक अलग अलग धारिताओं के मान से भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है, कम होता है। यानी कहने का यह मतलब हुआ कि अगर हमारे पास तीन अलग अलग संधारित्र दिए गए हों, जैसे हम सिंपल मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, अलग अलग संधारित्र हमारे पास तीन दिए गए हो, ठीक है, तीन अलग अलग संधारित्र हमारे पास दिए गए हो, ठीक है, पहले की धारिता कितनी है, वन माइक्रो फैराड मान लेते हैं, ठीक है, वन माइक्रो फैराड, ठीक है, दूसरे की मान लेते हैं 2 माइक्रो फैराड और तीसरे की मान लेते हैं 3 माइक्रो फैराड, ठीक है। हमने मान लिया तीन अलग अलग संधारित्र दिए गए, ठीक है, पहला का 1 माइक्रो फैराड, दूसरे का 2 माइक्रो फैराड और तीसरे का 3 माइक्रो फैराड। तो जो तुल्य जो आएगा, जो सी नेट आएगा, यानी जो सी तुल्य की बात करें, सी तुल्य जो आएगा वो क्या आएगा, वो छोटा होगा इस पहले वाले से, यानी सी वन की बात करें, सी टू और ये सी थ्री की, तो ये छोटा होगा किससे, सी वन से भी, और साथ में छोटा होगा किससे, सी टू से भी, है ना, ये सॉरी यहाँ पे ये साथ में किससे छोटा होगा, सी टू से भी छोटा होगा और साथ में किससे छोटा होगा, सी थ्री से भी, ये आपका छोटा हो जाएगा, कौन, जो सी तुल्य निकल के आएगा वो छोटा होगा किससे, सी वन से भी, सी टू से भी और सी थ्री से भी क्या होगा, छोटा होगा। तो हमने यहाँ लिखा कि तुल्य धारिता का मान अपने प्रत्येक अलग अलग धारिताओं के क्या होता है, मान से क्या होता है, मान से भी कम होता है, ठीक है, यानी सीनेट जो आएगा वो प्रत्येक से भी कम आएगा। तो हम इसको जरा बना के दिखा देते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा, देख लेंगे। ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा,
सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइक्रोफेरड, 2 माइक्रोफेरड और यहाँ पे 3 माइक्रोफेरड, ठीक है, ये हमारे पास बी है। निकालते हैं 1 by CS कितना होगा, 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3, यही होगा ना। 1 by CS को CS रहने देते हैं, कितना होगा LCM, 6 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 6 आएगा LCM ये, तो ये 1 × 6 = 6 तो कितना होगा, 6 प्लस 2 × 3 = 6 तो 3 प्लस 3 × 2 = 6 तो 2 हो जाएगा, यानी 1 by CS जो होगा वो आपका कितना आएगा, 6 × 3 = 9 = 11, यानी 11 / कितना होगा, 6 होगा, है कि नहीं। तो अगर पलटे इसको तो CS का वैल्यू कितना आएगा, CS जो आएगा वो आएगा कितना, 6/11। तो एक बात बताइए, ऊपर में अगर अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा होता है। तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 3 है, उसके बाद 2 है और सबसे छोटा 1 है, तो 1 से भी छोटा वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, तुल्य में निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो सी एस जो होगा वो छोटा होगा किससे, सी वन से भी, ठीक है, और साथ में सी एस जो होगा छोटा होगा किससे, सी टू से भी, और सी एस जो होगा छोटा होगा किससे, C3 से भी, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट निकल के आएगा किससे, इस वाले पॉइंट के अंतर्गत, ठीक है, CS छोटा होगा C1 से भी, C2 से भी और साथ में C3 से भी, यानी अगर आपको किसी भी संधारित्र में अगर आपको कम आवेश चाहिए होगा तो संधारित्र का जो कनेक्शन करेंगे वो कनेक्शन किस में करेंगे, श्रेणी क्रम के अंतर्गत करेंगे। अगर हम श्रेणी क्रम के अंतर्गत में किसी भी संधारित्र का क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो उसमें क्या आएगी, धारिता का जो वैल्यू आएगा वो कम निकल के आएगा, ठीक है। तो अगर आपको कम धारिता चाहिए तो उसका कनेक्शन श्रेणी क्रम में कर दीजिए, और अभी अगले लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे कि अगर आपको ज्यादा धारिता चाहिए तो आपको किस में कनेक्शन करना होगा, समांतर क्रम में कनेक्शन आपको करना होगा। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे भी उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से सीखा भी होगा, सारी चीजें आपको दिमाग में जाके छप गई होगी। अगर नहीं छपे हो तो आप फिर से वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लें ताकि आपको चीजें स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए, और इसका प्रॉपर नोट्स बनाएं, और ये नोट्स आप इसलिए बना बनाएं कि आपको आपको पढ़ना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, ये नहीं पूछा जाएगा तो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव के अंदर में, ये आप ध्यान जरूर रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं तो व्यंजक तो आपको एकदम श्योर है कि पूछा ही जाएगा, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, आने वाले एक लेक्चर में हम लोग करेंगे समांतर प्लेट और समांतर क्रम संयोजन का डिस्कशन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।